बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम शॉपिंग वेबसाइट पे काम कर रहे थे, और अभी तक हमने जो शॉपिंग में बनाया था वो हमने एक फ्रंट एंड उसका बना लिया था, जिसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर, फिलहाल हमने स्टैटिक तौर पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रखाई हुई है अपने पास अपने टेबल के अंदर, ठीक है, जिसमें शर्ट का नाम है, शर्ट इमेज है, शर्ट प्राइस है, उसकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी हम देंगे, यूजर देगा, और एड टू कार्ट हमने कर देना है, ठीक है। ये काम हमने कर लिया था कि भाई जब हम एड टू कार्ट कर रहे थे कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो मेरे कार्ट में इंसर्ट हो जाती थी, ठीक है। कार्ट में इंसर्ट होने पर ये मेरे पास पेज रिफ्रेश हो जाता था और मेरे पास हम जो है अपने कार्ट को व्यू कर सकते हैं फ्रॉम व्यू कार्ट के पेज में से, ठीक है, जहां पे मेरे पास ये नजर आ रहा था, ठीक है, मेरे पास मेरा पर्टिकुलर वो कार्ट जो मैंने चीज परचेज की है वो मुझे यहाँ से नजर आ रही है, ठीक है। वो कैसे हो रहा था कि हमने यहाँ पे पहले जो एड टू कार्ट किया था, मेरे पास सेशंस के अंदर वैल्यू जाके स्टोर हो गई थी, और उसी सेशन पे मैंने लूप चला के वन बाय वन चीजों को प्रिंट करवाया, ठीक है। अब मैंने जो आज इस पे काम करना है, जो कि मेरा लास्ट काम है, और आज ये शॉपिंग वेबसाइट हम कंप्लीट कर देंगे, वो लास्ट काम ये है कि ये अपडेट और डिलीट हो सके। ये क्या हो सके, अपडेट और डिलीट हो सके। सबसे पहले उसके लिए हमने करना क्या है कि अपडेट इसमें होगी क्या चीज, भाई बंदा खुद से क्या प्राइस अपडेट कर ले, 1000 वाली चीज 500 लिख के और वो परचेज कर ले, भाई मैंने ले ली चीज, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो अगर कोई चीज अपडेट हो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, क्वांटिटी ओनली, ठीक है। अगर कोई भी चीज हमारे पास मेरे कार्ट के अंदर अगर अपडेट हो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज अपडेट हो सकती है, ओनली क्वांटिटी, ठीक है। तो हमने उसके लिए करना क्या है कि जो क्वांटिटी मैंने बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट लिखवा दिया यहाँ पे एक टीडी के अंदर नजर आ रही है, क्वांटिटी मैंने बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट क्या कर दिया यहाँ पे लिखवा दिया, और टीडी के अंदर वो मेरे पास नजर आ रही है, तो मैं इसको अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रखूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे इस वेरिएबल को यहाँ से कट करके यहाँ पे मैं बना लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, सही है। मैंने वैल्यू को टेक्स्ट बॉक्स में रखवा दिया, मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो मेरे पास ये जो मेरी पर्टिकुलर वैल्यू है ये किस में आ रही है, टेक्स्ट बॉक्स में आ रही है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको बूटस्ट्रैप की क्लास भी असाइन कर दें, फॉर्म कंट्रोल, तो मेरे पास पर्टिकुलर बूटस्ट्रैप की फाइल के हिसाब से नजर आ रहा है, सही है, ठीक है। बाकी की कोई भी चीज अपडेट नहीं हो सकती, क्योंकि भाई इस तरह से तो बंदा अपनी तरफ से नाम चेंज कर ले, प्राइस चेंज कर ले, और यानी कि अपनी मर्जी से कोई भी चीज लेकर चला जाए, ये तो हमने करना नहीं है। ऐसे ये कर लिया, अब भाई ये चीज अपडेट होगी कैसे, पहले तो हमारे पास जो मेन सवाल आ रहा है हमारे दिमाग में वो ये है कि ये चीज कैसे अपडेट होगी, टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू कहीं दूसरी जगह कैसे जाए, तो उसके लिए फॉर्म एक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, ये जो मैंने इनर लूप चलाया था अपने पास, इस पूरे इनर लूप को मैंने रखना है एक फॉर्म एक्शन के अंदर, ठीक है। मैं इको कर देता हूं किसको, फॉर्म के टैग को, ठीक है, और मैं बीच में अपना पूरा मैंने लूप यहां पे पास कर दिया, सही है, क्योंकि यही चीज सिर्फ अपडेट हो सकती है, बीच वाली चीज, ठीक है। भाई फॉर्म एक्शन कहां पे हो, मैं अलग से फाइल बनाऊंगा, मैं अलग से फाइल बनाऊंगा एडिट प्रोडक्ट डॉट पीएचपी के नाम का, ठीक है, और एडिट प्रोडक्ट डॉट पीएचपी के नाम की फाइल पे मैं यानी यहां से चीजें सेंड करूंगा कहां पे, किसी दूसरी फाइल की तरफ, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पे मेथड भी इसको बता देता हूं कि भाई यू आर अ पोस्ट मेथड, सही है। सिंपली अभी मैंने एडिट प्रोडक्ट वाली फाइल बनाई नहीं है, ठीक है, एडिट प्रोडक्ट या एडिट कार्ड कर दें, चलो इसको मैं एडिट कार्ड कर देता हूँ, ठीक है, सही है। कि भाई अब जब मैं जब भी यानी कि इनपुट टाइप सबमिट अपडेट पे या इनपुट टाइप डिलीट पे जब भी क्लिक करूंगा तो वो मुझे कहां ले जाएगा,
एडिट कार्ड की तरफ, ठीक है। क्वांटिटी को मैंने क्या कर दिया, क्या असाइन कर दिया है, नेम अभी तक असाइन नहीं किया, वहां पे गेट कैसे कर रहा हूं, तो मैं इसको नेम असाइन कर रहा हूं, नेम की। नेम की से मुराद, क्योंकि भाई हर पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स की जो की है वो यूनिक होनी चाहिए, मेरे पास यहां पे जो की वेरिएबल है ये क्या लेकर आ रहा है, इंडेक्स नंबर्स। भाई फर्स्ट का इंडेक्स नंबर क्या है, 0, 1 एंड 2, ऐसे क्वांटिटी कौन से इंडेक्स नंबर पर है, 2 पे, तो ये यहां पर मेरे इस नेम को क्या नेम असाइन कर देगा, नेम 2। जैसे मेरे पास ये पर्टिकुलर जो नेम्स हैं वो क्या हो गए, यूनिक हो गए, यूनिक बन गए, ठीक है। अब एक और मैंने काम कराना है, वो ये, वो कौन सा कि भाई इनपुट टाइप टैक्स तो मेरे पास चला गया, यहां से क्वांटिटी तो मेरी गई, मैंने नाम और प्राइस भी भेजनी है, तो इन दोनों के मैं यहां पे इनपुट टाइप हेडिंग्स बना लूंगा, ठीक है, वरना तो गेट करना पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या कराऊंगा, डबल क्वोटेशंस के अंदर इनपुट टाइप हेडिंग नेम इक्वल टू, अगेन वैसे ही नेम की, ये यहां पे इसको 1 असाइन कर देगा, ऊपर वाले में 2 असाइन हो जाएगा, एंड वैल्यू में मैं इसके अंदर वैल्यू रख देता हूं, सही है। एंड इसी को मैं कॉपी करके अगेन यहां पे भी पेस्ट कर लेता हूं, नेम विथ वैल्यू एंड इनपुट टाइप हेडिंग, सेम चीज, ठीक है, क्लियर है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, तो देखें देयर इज नो एनी एरर, सही चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब चीजें मैंने कहां भेजनी है, एडिट कार्ड डॉट पीएचपी की तरफ, तो ये मैं फाइल यहां पे न्यू बना लेता हूं विद द नेम ऑफ एडिट कार्ड डॉट पीएचपी, ये मैंने फाइल बना ली, ठीक है। इस फाइल के अंदर सबसे पहले तो मैं सेशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। सेशन स्टार्ट करने के बाद मेरे पास चीजें यहां पे रिसीव होंगी, कौन कौन सी, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है, एंड बटन्स भी। तो मैं क्या कर लेता हूं, अलग से यहां पे वही काम कराता हूं जो हमने इंसर्ट के अंदर किया था, ये वाला टेक्स्ट बॉक्सेस को गेट करना, भाई मैं अगेन गेट कर लेता हूं यहां पे, मगर इसके अंदर हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने वहां पे नेम, सिर्फ नेम नहीं दिया इस पर्टिकुलर चीज को व्यू कार्ड के अंदर, बल्कि मैंने इसको नेम दिया नेम की, ठीक है, यानी कि ये अब गेट होगा 0, नेम 1 एंड नेम 2, कुछ इस तरह से, ठीक है। और एंड में मैं अपना बटन भी पोस्ट करा लेता हूं यहां पे, दोनों बटन्स के नाम जो हैं वो क्या हैं, मेरे पास इवेंट है दोनों बटन्स के नाम, ठीक है, क्लियर। अब वो हम वही पुराना काम करेंगे, भाई अगर मेरे पास जो इवेंट यानी कि बटन है बराबर है किसके, अपडेट के, तो यहां पे क्या हो जाए, सेशन अपडेट हो जाए, यानी कि ऑलरेडी जो सेशन मेरे पास बना हुआ है वो क्या हो जाए, अपडेट हो जाए, ठीक है। तो मैं अगेन यहां पे एक और भी काम कराऊंगा, वो कौन सा कि मैं यहां पे प्रोडक्ट्स नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जो मेरे पास कहां बना हुआ है, इंसर्ट कार्ड के अंदर, ये वाला, ठीक है, यही वेरिएबल मैं अगेन यहां पे बना लूंगा, सही है। एंड मैं सेशन को क्या असाइन कर दूंगा, सही है, यानी कि ऑलरेडी जो इस नेम नाम का सेशन बना हुआ है वो अब क्या हो जाएगा, उसमें जो न्यू वैल्यूज यहां पे रिसीव हुई है अब वो चली जाएंगी, यानी कि मेरा सेशन क्या हो गया, अपडेट हो गया, ऑलरेडी जो चीजें पड़ी हुई हैं इस नेम नाम के सेशन में जो कि इंसर्ट के वक्त इसमें गई थी, ठीक है, अब उसमें कौन सी चीजें चली गई, न्यू वाली जो अभी अभी मैंने वहां अपडेट पे क्लिक करते वक्त रिसीव की है, ठीक है, वो चीजें मेरे पास यहां पे क्या हो गई, अपडेट हो गई। उसके बाद एल्स इफ, अगर मेरे पास जो इवेंट है वो बराबर है किसके, डिलीट के, तो भाई एक हमारे पास दो फंक्शन, जो एक सेशन डिस्ट्रॉय होता है, सेशन डिस्ट्रॉय क्या करता है, तमाम सेशंस को डिलीट कर देता है। अगर भाई उस बंदे ने 5 चीजें परचेस की हैं और मैं यहां पे सेशन डिस्ट्रॉय यूज कर लूं, तो फिर तो यानी कि वो रिमूव करना चाह रहा है एक को और 5 रिमूव हो गई, ये तो गलत तरीका है, वो रिमूव करना चाह रहा है
एक प्रोडक्ट उसने 5 परचेज की थी, मगर उसको अब 4 चाहिए, वो उसने सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट को यहां से डिलीट किया, ठीक है? तो भाई एक ही डिलीट होनी चाहिए, पांचों क्यों? सेशन डिस्ट्रॉय तो पांचों ही डिलीट कर देगा। सेशन डिस्ट्रॉय फंक्शन क्या करता है? तमाम सेशंस को रिमूव कर देता है, बस खाली कर देता है, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर सिर्फ एक सिंगल सेशन डिलीट करने के लिए हमारे पास फंक्शन यूज होता है अनसेट नाम का। किस नाम का? अनसेट नाम का। और उसके अंदर बताना होता है भाई कौन सा सेशन, भाई जो अभी रिसीव हुआ है, वो सेशन जो हमने अभी रिसीव किया है ऊपर से, वो ही सिर्फ पर्टिकुलर सेशन मेरे मेरा क्या कर दो, रिमूव कर दो। इन दोनों में से कोई भी अगर चलेगा तो मेरे पास वापस क्या हो जाए, मेरा पेज कहां चला जाए, व्यू कार्ड डॉट पीएचपी की तरफ, ठीक है? यानी कि अगर अपडेट करे या डिलीट करे वापस, यानी कि ये पेज मेरा रिफ्रेश हो जाए, ठीक है? यानी फॉर्म एक्शन इसको इस पेज पे ले आए, और इस पेज पे इन दोनों में से कोई भी अगर एक्शन परफॉर्म होता है वो अपना काम कर ले एंड यहां पे आ जाए, ठीक है? क्लियर? पक्का? अब मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूं और मैं इसको अपडेट करके चेक करके देखता हूं कि भाई, मगर सबसे पहले हेडर कराने से पहले मैं यहां पे एग्जिट सिर्फ इस वजह से लगा रहा हूं ताकि हेडर ना हो, ताकि ऊपर अगर कोई भी किसी भी किस्म का एरर हो तो वो मुझे पता चल जाए, ठीक है? तो मैं यहां पे क्वांटिटी को 3 कर देता हूं एंड अपडेट पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है? क्यों मेरे पास फॉर्म एक्शन नहीं हुआ यहां पे? फॉर्म एक्शन एडिट कार्ड डॉट पीएचपी एंड इनपुट टाइप सब में, ओ हो, इस वजह से काम नहीं कर रहा क्योंकि जो फॉर्म है वो मैंने ऑलरेडी ऊपर ही क्लोज कर दिया, ठीक है? तो बटन कैसे काम करेंगे? फॉर्म बटन तो मेरे फॉर्म से बाहर निकल गया, ठीक है? तभी बटन्स मेरे काम ही नहीं कर रहे। तो अब मैंने करना क्या है, यहाँ पे आफ्टर फॉर्म मैंने बंद कर दिया, ठीक है? बल्कि वहां पे फॉर्म शुरू हो रहा है डीआर से पहले, डीआर के अंदर शुरू हो रहा है, तो तभी मैंने उसको यहाँ, ठीक है? पहले फॉर्म क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बंद हो रहा था तो ये दोनों बटन तो बाहर निकल गए फॉर्म से, वो काम ही नहीं कर रहे फॉर्म की वजह से, ठीक है? तो मैं इसको अगेन एक बार से रिफ्रेश करके इसको वापस 3 कर देता हूँ, ठीक है? एंड अपडेट कर देता हूँ। अनडिफाइंड इंडेक्स नेम 0, नेम 1, नेम 2, 4, 5 एंड 6, ऐसा क्यों आया मेरे पास? मेरे पास ऐसा क्यों आया है? क्या किसी को कुछ पता है कि इस पर्टिकुलर चीज ने काम क्यों नहीं किया हमारे पास? वहां पे नेम रिसीव ही नहीं हुआ, कह रहा है कि इस टाइप का नाम कोई है ही नहीं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का। वजह हम एक बार यहां पे करके आ देते हैं, देखो। असल में हमारे पास मसला पता है क्या हुआ है, यहां पे मैंने वो एरर गेट कर लिया, मैंने यहां पे यूज किया पोस्ट जबकि वैल्यूज मेरे यूआरएल में आ रही हैं। यूआरएल में क्यों आ रही है, यानी कि ये तो फिर गेट हो गया। तो असल में मैंने यहां पे मिस्टेक किया, देखो मेथड की मैंने स्पेलिंग मैथ थर्ड के बजाय कुछ और लिख दिया, डी की बजाय एस हो चुका था, तो वैल्यूज यहां पे रिसीव ही नहीं हुई, ठीक है? अगेन इसको रिफ्रेश करके मैं क्या कर लेता हूं, इसको 2 एंड अपडेट पे क्लिक कर लेता हूं। अब वैल्यूज आई यहां, वैल्यूज मेरे पास आ गई, कोई एरर नहीं आया, यानी कि सक्सेसफुली ये मेरी फाइल चल गई। कौन सी वाली? एडिट कार्ड डॉट पीएचपी वाली। एडिट कार्ड ने अब आई थिंक कि एडिट किया होगा क्योंकि मैंने वहां से क्वांटिटी चेंज की थी ना, ठीक है? अब मैं एग्जिट को हटा के एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, भाई वापस यहां आ गया। 2 क्वांटिटी के हिसाब से 2000 हो गए, मेरे पास कार्ड अपडेट हो गया। ऐसे डिलीट करूं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने डिलीट कर दी, भाई अगेन वापस चले जाओ होम की तरफ, भाई 2 ये चीजें ली, एड टू कार्ट की तरफ आ गया, मैंने एड टू कार्ट कर दिया, व्यू कार्ट करो यहां से, भाई चीज पड़ी हुई, मैं इसको 5 कर दूं, अपडेट कर लेता हूं। देखो 5 के हिसाब से 5000 हो गए,
क्वांटिटी बढ़ाते ही मेरे पास रकम बढ़ गई, मेरा कार्ड जो है वो क्या हो रहा है, अपडेट भी हो पा रहा है एंड डिलीट भी हो पा रहा है। ठीक है, एंड ऑफ दिस मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे व्यू कार्ड के अंदर बिल्कुल एंड में लास्ट में टेबल से बाहर, टेबल के बाहर में यहाँ पे एक एंकर टैग बना लेता हूँ विद द नेम ऑफ कंटिन्यू शॉपिंग, कि भाई कोई चीज बंदे ने परचेस कर ली है और भी चीजें परचेस करनी है तो कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करके वापस मेरे पेज पे चले जाए। ठीक है भाई, इस पे मैं इंडेक्स डॉट पी एच पी लगा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लास भी असाइन कर देता हूँ बटन की, बीटीएन बीटीएन प्राइमरी कॉल एलजी तकरीबन 4 के जितना, बटन बन गया मेरे पास। भाई ये नीचे होता जाएगा जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बढ़ती जाएंगी, अगर उसने और भी चीजें लिखनी है कंटिन्यू प्रोडक्ट की तरफ जाके, कंटिन्यू शॉपिंग की तरफ जाके और भी चीजें परचेस कर ले वो बंदा। आई बात समझ में? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन किसी भी किस्म का? अब आप लोगों का एक टास्क है, टास्क क्या है, पहली चीज तो ये कि भाई ये चीज जो है ना आप लोगों ने मुझे सबमिट करानी है तकरीबन ऑन मंडे। ठीक है, ये चीज ऐसा गाइड कर लें, ऐसा समझने कि ये आपको एज अ फ्राइडे टास्क भी मिल चुका है। ठीक है, इस वेबसाइट को आपने कन्वर्ट करना है डेटाबेस में, ये स्टैटिक है, इसमें मैंने नाम भी डायरेक्ट लिखवा दिया था हिडन में, प्राइस भी हिडन में ही रखा था, डेटाबेस से कोई भी चीज नहीं आ रही थी, मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया था। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है डेटाबेस, बैकग्राउंड में आप एक टेबल बनाओगे प्रोडक्ट्स नाम की, जिसमें प्रोडक्ट नेम होगा, प्रोडक्ट प्राइस होगी एंड प्रोडक्ट इमेज होगी। ठीक है, ये यहाँ पे आप इंडेक्स फाइल के अंदर लूप चला के फेच करा दोगे। ठीक है, उतनी टेबल्स बनती जाएंगी मेरे पास, उतनी टेबल्स मेरे पास बनती जाएंगी, रिकॉर्ड आते जाएंगे भाई, मल्टीपल बहुत सारे रिकॉर्ड आ गए यहाँ पे, मल्टीपल और भी प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है भाई, जिस पर भी मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ वो कार्ड तो हो जाएगी, बैकग्राउंड में कार्ड तो बना हुआ ही है, कार्ड से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, वो अगेन विदाउट डेटाबेस ही बनेगा। अगेन ऐड टू कार्ड, एडिट कार्ड, इंसर्ट कार्ड, ये सारी चीजें, यहाँ तक कि व्यू कार्ड भी मेरा डेटाबेस से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा और आपने चेंजिंग क्या करनी है वो ये करनी है कि अगर किसी बंदे ने भाई यहाँ से परचेसिंग कर ली अब काफी, एंड में यहाँ पे नीचे एक और बटन होना चाहिए प्रोसीड का, किस नाम का भाई, ये सारी चीजें मैंने जो अभी परचेस की ये मैंने बस परचेस करनी है, क्योंकि अभी तक ये यानी कि हम क्या हैं पूरी तरह से इसको परचेस नहीं किया, सिर्फ सिलेक्ट किया है कि भाई ये चीजें मैंने लेनी है। ठीक है, यानी कि मैंने अपनी शॉपिंग में अगर किसी मॉल में गया हूं तो वहां पे मैंने वो पर्टिकुलर चीज उठा के अपने सिर्फ कार्ट में रख दिए। ठीक है, अभी तक मैंने उसकी पेमेंट नहीं की, मैंने जाके काउंटर पे उसको पूरी तरह से रिसीव नहीं किया, सिर्फ कार्ट में रखी हुई है हमने चीजें, तो यहाँ पर भी ये चीजें मीन्स के क्या है, कार्ट में रखी हुई है। ठीक है, तो भाई प्रोसीड के बटन पे जब क्लिक कर दो, वहां पे वहां से फिर क्या हो कि ये जो चीजें आपकी जो सेशन में स्टोर्ड है ना, इस पर्टिकुलर नेम नाम के सेशन में जो चीजें स्टोर्ड है, ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करने पर ये चीजें मेरी बैकग्राउंड में एक और टेबल बनी होगी ऑर्डर नाम की, उसमें चली जाए। ठीक है, ताकि पता चले कि भाई ये ऑर्डर में हो गई। ठीक है, क्लियर, ऑर्डर पे तभी यानी कि ये चीजें, ये यानी कि शर्ट नेम जितनी भी शर्ट्स हैं, ठीक है, प्राइस एंड उसकी क्वांटिटी एंड उसकी प्राइस, ये बाद में मेरे पास ऑर्डर नाम की टेबल में क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। बिल्कुल ईजी है, वहां पे इंसर्ट की सिर्फ क्यूरी चल रही होगी, यही चीजें मेरे पास ऑर्डर नाम की टेबल में चली जाएंगी। ठीक है, क्लियर है, सिर्फ दो ही टेबल पे आपने क्या करना है, एक काम करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है ऐसे। ठीक है, क्लियर, यानी कि ये अभी भी मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये पूरी तरह से कंप्लीट शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, हमने जो चीज पढ़नी चीज प्रोजेक्ट के अंदर वो यही था, एड टू कार्ट सिस्टम, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल चीज यही होती है, बाकी चीजें क्या है, बाकी तो यानी डेटाबेस में फेचिंग करानी है, डेटाबेस में इंसर्ट करानी है, बाकी तो इतना मसला ही नहीं है। मेन जो सबसे बड़ा हमारे पास जो मुश्किल चीज आती है शॉपिंग वेबसाइट के अंदर वो ये होता है कार्ट बनाना, कि भाई किस तरह से कार्ट में चीजें जा रही हैं और किस तरह से कार्ट में से यहाँ से चीजें व्यू हो रही हैं। ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिया, तो आज आपकी ये जो शॉपिंग वेबसाइट का जो एड टू कार्ट सिस्टम था ये कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों को मैंने आपका टास्क बता दिया, यानी कि इसको कन्वर्ट करो किसमें, डेटाबेस में, इसका अलग से एडमिन पैनल भी बनाओगे आप लोग, जहां से वो प्रोडक्ट्स एड हो रहे हैं कि प्रोडक्ट नाम की टेबल में ऐसे। ठीक है, क्लियर है, ओके, तो भाई आज के लिए इतना काफी है, एंड मैंने अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहूंगा कि आज हमने जो है वो शॉपिंग वेबसाइट कंप्लीट कर ली है, एंड अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन हो या कोई क्यूरी हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को फॉरन रिप्लाई जरूर दूंगा।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।